अपने लड़का इनका मतलब के मैंने से बात जोड़ के नुका दी थी। मेरे घर पर कोई नहीं, मेरा लड़का ड्यूटी पे जा रहा है, जब भी मेरा चारू चपटे आ रहा है। रोहतक तहसील में एक अनोखा कारनामा सामने आया है, जहां पर विधवा कमलेश ये आरोप लगा रही है कि उसने अपना मकान बेचा ही नहीं है, तो रेनू निवासी पानीपत ने वो मकान खरीद कैसे लिया। तहसीलदार पर आरोप लगाते हुए कमलेश ने बताया कि ना कोई उसको चेक मिला है, ना उसके खाते में जमा हुआ है, तो उसका मकान बिक कैसे गया। उसे धक्के मारकर उसके घर से बाहर निकाल दिया गया। धोखाधड़ी की शिकायत उसने मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री, महिला आयोग भारत सरकार, महिला आयोग हरियाणा सरकार, रोहतक उपायुक्त, रोहतक पुलिस अधीक्षक, रोहतक नगर निगम कमिश्नर, रोहतक तहसीलदार और सीएम विंडो के साथ साथ एसडीएम को भी जमा करवाई है। न्याय की गुहार फिलहाल कमलेश लगा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, जुड़े हैं रिंकी बत्रा के साथ गरिमा टाइम्स पर। एक हाई वोल्टेज ड्रामा न्यू अमृत कॉलोनी रोहतक में हो रहा है। बता दें आपको कि एक विधवा औरत का घर से बाहर सामान निकालकर फेंक दिया, जिस तरीके के औरत द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं। परिवार में बेटा है और एक बेटी है जो पढ़ रही है, बहू है। पूरा मैटर क्या है बताइए। मेरा इन नजीक मकान जी, आप बताइए। हम घर के अंदर थे, कराने गई अपने लड़का की, इन का जानकार था, उनका हमारा आना जाना था। वो बोले, मैं बोली मैं अपने बेटे की वसीयत कराऊंगी। इनकी रिनकी क्या चाल थी मन नहीं पता। मैं कोर्ट में गई, तहसील में, ये बोले साइन मार दो आपने जल्दी, भले टोकन नहीं मिलेंगे। मैंने साइन मार दिया। मन तो जब पता लग गया मेरी एलईडी वगैरह कैमरे वगैरह ये पाड़ के चोरी कर लिए गए, जब मैंने नू पता लग गया मेरा मकान की रजिस्ट्री होगी, मन नहीं बेरा थी। मैंने कंप्लेंट करी, पुलिस ने मेरे ऊपर दबाव दिया। मन नू कही जी मैं 2 तारीख तक मेरा लड़का एक शादी हो लेने दिया, मैं फिर मकान खाली करूंगी, इतना मैं नहीं कर सकती। उन्हें दबाव दिया, पुलिस की साथ ये भी मिल रही है, पुलिस भी मिल रही है। कौन से थाने के मिल रहे हैं? कॉलोनी थाना। मैं आप कंप्लेंट चेक कर लियो, मेरा सामान चोरी की मैंने कंप्लेंट लिखवाई थी, ये सामान मेरा वापिस दे के गए। अच्छा। आज मैं अपना घर पर खाना बना रही थी, ये सारे आके मेरे अंदर चिपट गए। मेरी गुड़िया का भी बाहर भी चिपटे, आप देख लो, देख लो झूठ। 5 आदमी थे, एक ही का लड़का था, 4 और थे। मार पिटाई की यहाँ गली में करी और मेरे को पीटा जी ने। मैंने इन एक बात कही आई, मैं कहा बेबे तू बैठ के बात कर ले, तेरी को गलती मेरी आपस में बैठ के कर लेंगे। जानते हैं मेरा चारू चपट गई, मेरा सामान देख ले बाहर पड़ा है। मेरा लड़का की 1 महीना और शादी हुई, मैं क्या बहू ने जवाब दूँ उसका। गए चपटे हैं चारू, पूछ ले इनके सारे ताट गली में चपटे लड़का इनका मतलब के मैंने से बात जोड़ के नुका दी थी। मेरे घर पर कोई नहीं, मेरा लड़का ड्यूटी पर जा रहा है, जब भी मेरा चारू चपटे आ रहा है। और 5 आदमी थे, उन्होंने आके मेरी छोरी का 2 बार फोन कोसिया, फोन भगा दिया, फिर मेरी लड़की को आदमी चपटा। कौन है मैं नहीं जानती उसको, इन्हीं के साथ आ रहा था जी। आदमी ने इस तरीके का व्यवहार किया था? हाँ, आदमी यार, फोटो वीडियो आप चेक कर लो, इसका चपटे हैं 5 चुआड़े, सारे हमारे खड़े थे। मना जोड़ के भी नू कही मैं बे तू मैं तेरी रिपोर्ट देने जाऊँ, नुबली जा दिया जो देने ही हो कर ले। मैंने फिर एसआई को फोन मिलाया, मगर जी ऐसे ऐसे मेरे चिपट रहे हैं, ऐसा ही नुला पा के यहाँ कंप्लेंट कर दो। जब मेरे पाचू मार रहे मैं आते जाऊंगी किस तरह, आप बताओ एक बात। मैंने 112 बार 5 बार फोन कर रखे, आप चेक कर लो, नहीं तो मेरी 112 पर को कंप्लेंट हुई नहीं। ऐसा ही तो और फोन कराया था, वो आया 112 पर उठाकर क्या कहते हैं फोन? उठाया नहीं, मतलब चपटा चपटी मनु ये नहीं मेरा उठाया कि नहीं उठाया, आप चेक कर सको फोन ने। मना नहीं पता उठाया कि नहीं, चपटी जहाँ थे बार बार मैं फोन खोच ले थे, अंदर अंदर चपट रहे थे। जब आप बताओ क्या हुआ था पूरा? मेरी मम्मी अंदर थी, मैं बाहर गई हुई थी दुकान की साइड, इतने में मैं ही सब अंदर घुसे हुए थे, मम्मी को मार पिटाई कर रहे थे, मैं छुड़ाने गई, फिर वो मेरे साथ चिपट गए सारी, तीनों चारों वो लुगाई थी। फिर मैं जैसे चिपटने लगी, मैं भी बोलने लगी ना उनको, फिर वो धक्का मार के निकालने लगे, हाथ पकड़ पकड़ हमें, हमारा सारा सामान बाहर फेंक दिया। फिर हम बाहर आ गए, फिर मैं वीडियो बनाने लगी ना कि भाई हमारे साथ ये, फोन भी नहीं उठा रहे थे पुलिस वाले, तो हम बाहर आके वीडियो बनाने लगे कि भाई हम दिखा सके हमारे साथ क्या हो रहा है। फिर वो सब ने मेरा 2-3 बार फोन फेंका, फिर सब बाहर में खड़ी थी यहाँ पे, फिर एक बुड्ढा आके मेरे साथ गंदी यार ऐसे धक्का मारने लग गया और उल्टा सीधा बोलने लग गया, देख लो। फिर मैं बोली मेरे से क्यों वो बोल रहे हो, मैं कुछ बोल ही नहीं रही तुम्हें, मैं तो वीडियो बना रही हूँ, तुम हमारे साथ मार पिटाई कर रहे हो। कितने बजे का ये पूरा घटनाक्रम था? रुक जाओ मैं बता रही हूँ। 3 बजे हमने फोन कर रखा है पुलिस वालों के पास, वो हमने 5 बार फोन किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं था उनका। फिर हम बाहर निकल, इन सब ने हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया। और नू बता ना, माँ बेटी हाँ को घर पर नहीं है, जब मैंने हाथ जोड़ लिया तीन का चपटन कर सामान फेंकने का तो कोई मतलब नहीं। 5 आदमी आए, मैंने उनको नू बोलिया मांग तले
आप बैठ के आपस में बात कर लेंगे, आप मेरा सामान मत फेंको, मैं बीमार हूँ। जब भी नुमला फेंक दे इसका सामान, फेंक दो इसका सामान। ये इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं कि इनको आप प्रॉपर्टी अपनी बेच चुकी हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मन प्रॉपर्टी मेरी नहीं बेची जी, धोखाधड़ी थे, इनने मेरी प्रॉपर्टी अपना नाम करवाई है। अच्छा। मन ने केस कर दिया जी, मन ने केस कर रखा है, मन धोखाधड़ी थे, मन तो यही पता लग गया मेरी प्रॉपर्टी, मन पता लग गया जब मन अपनी ये बेची, यो LED चोरी हुई, कैमरे LED जब सामान चोरी हुआ, जब मन पता लग गया मेरी प्रॉपर्टी इनका नाम होगी, मन नहीं पता थी। अच्छा। जब मैंने केस किया है जी। तो वैसे जानते हैं आपको ये लोग? मन नहीं जानते, मैं नहीं जानती इनको, नहीं जानते ना, मैं नहीं जानती। घर में आना जाना भी नहीं, मतलब एकदम ये और किसी ने सुभाष ने जाना है, मन कुछ नहीं जानते। सुभाष कौन है? वो इन्हीं का जानकार है जी, इनते जी उसने जाना है, मन नहीं जानते ये। अच्छा। हाँ ना, मैं इन जानती जी, इन रून न मिल के और ये धोखाधड़ी तरह रजिस्ट्री अपना नाम करा ली जी। कैसे धोखा, किस तरीके का किया था, किस किया? मेरे लड़के का नाम वसीयत कराऊंगी, उसका सुभाष का मारा आना जाना था। अच्छा। मैंने बोला मैं अपने लड़के का नाम वसीयत कराऊंगा, बोला ठीक है मैं करवा दूंगा, आप उधर आ जाना। वो एक हफ्ता था, कहता रहा मेरे को आ जा। अच्छा। मैं चली गई, मन तो यही नहीं पता था रजिस्ट्री हुई है कि नहीं हुई है। वो बोले इधर साइन मार दे रजिस्टर में, रजिस्टर में साइन मार दिया, फिर आगे मैंने वहाँ वो बोले इधर साइन मार दे, मैंने उधर साइन मार दे, और मेरी कोई फालतू बात तो नहीं हुई। अभी जैसे देखा जा सकता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ड्रामा हो रहा है, अभी पीछे भी आपको दिखा दें कि यहाँ पर बहस जो है महिलाओं की आपस में हो रही है। कैमरा पर्सन को कहूँगी एक बार आगे जाकर जो है दिखा दें कि किस तरीके से दोनों पक्ष जो है आपस में लड़ रहे हैं, पड़ोसी भी हैं वो भी आपस में बातचीत कर रहे हैं। मैडम आपका समय चाहिए होगा, मैडम पूरा मैटर क्या है? मैम मैटर कुछ नहीं है, इन्होंने हमें रजिस्ट्री करवा दी, हमने घर ले लिया, हमारे नाम हो गया। इनके बेटे की शादी थी, इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी जी 2 दिसंबर को मेरे बेटे की शादी है, उसके बाद मैं खाली कर दूंगी। इन्होंने जाके थाने में रिपोर्ट दी, इन्होंने वहाँ पर रिटर्न में दे दिया, मैंने आपको पढ़वा दिया, मैं आपको सेंड भी कर सकती हूँ। बता दीजिए क्या है, ऑन कैमरा बता दीजिए। है इन्होंने कहा कि मैं 2 दिसंबर को कब्जा दे दूंगी, इन्होंने जी 3 दिसंबर को हमें कब्जा दे दिया, हम आए अपना ताला लगा दिया, हमने अपना काम शुरू करवाया, मेंटेनेंस शुरू करवाई। ठीक है, आप देख सकते हो मिस्त्री ऊपर काम करके जा रहे हैं, सारा हमें पेंट करवाना था, इन्होंने पता नहीं कल कैसे क्या हुआ, हमें रात को पता लगा कि हमारे घर का ताला तोड़ दिया, हम जाके कंप्लेंट दे आए। ठीक है, हम जाके कंप्लेंट दे आए और हम आए तो मैडम जी बिल्कुल अंदर बैठी थी, वो भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हमें हमारे घर का ताला टूटा हुआ खुला हुआ मिला और अंदर सामान मिला जिस घर को हम खाली छोड़ के गए हैं। ठीक है, वो बिल्कुल इलीगल है और उन्होंने हमें सीधा ये कहा मैं कभी खाली नहीं करूँ जी, और हमें इस बात पे वही बात है आपस को, आपको पता है कि वे हमारा घर है खाली कैसे नहीं करेगी। आप इनकी बेटी आई और उन्होंने मुझे ऐसे झपट्टा मारा बुरी तरह से, मैंने कहा बेटा ऐसा निकल ले। ठीक है, मैंने फिर भी उसको आज जी हमने इनका सामान निकाला तो ये साथ ही बाहर आ गए बस। उनका ये आरोप लगाया जा रहा है कि धोखाधड़ी से जो है रजिस्ट्री की गई है, उस पर क्या कहना? आप बेटा आप समझदार हो, इतना पता होगा तहसीलदार के सामने रजिस्ट्री होती है, वो बकायदा पूछते हैं आपसे, और 2.5 महीने बाद आपको ये याद आ रहा है कि धोखे से है रजिस्ट्री, जिसके बाद एक बार आप थाने में लिख के दे आए कि मैं कब्जा दे दूंगी इनको 2 तारीख को। अच्छा। उसके बाद लिख के दे के आए ये रजिस्ट्री के बाद। किस तारीख को हुई थी रजिस्ट्री? अक्टूबर की है, 10 अक्टूबर की, एग्जैक्ट मुझे डेट ध्यान नहीं है लेकिन अक्टूबर की है, और इन्होंने हमें 24 अक्टूबर को इन्होंने हमें लिख के दिया है कि 2 दिसंबर को जी मैं कब्जा दे दूंगी आपका, और इन्होंने मैं 3 को कब्जा दे दिया, और इन्होंने कल हमारे घर का ताला तोड़ के सारा सामान दोबारा रख लिया। बस अभी आप किस चीज़ की मांग कर रहे हैं? हम कोई मांग नहीं कर रहे, हमारा अपना घर है, हम उसके लीगली प्रोपराइटर हैं, ये जा सकती हैं लीगली टर्म्स पे, कहीं चलो कोर्ट में इनको जाना है, दे आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट। मैम आप भी परिवार में ही हैं? हाँ जी। आपको ये पूरा मैटर पता है? अभी देखा जाए तो यहाँ पर पूरा दिखा देते हैं, पड़ोसियों से भी बातचीत वगैरह करेंगे, उनसे भी जानेंगे, और अभी जो है इनके आपस में जो है ये लड़ रही हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं। मैम एक मिनट हटना ना, सुभाष ने और जाहिर मैं लड़ जाई, मैं तो कुछ नहीं दे रखा हूं, हाथ जोड़ के को मैं तो दे रखा हूं, मैं क्यों केस करूं ये? सर आप पड़ोसी हैं, क्या 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 कहना चाहेंगे इस पूरे मैटर? ये कहना चाहेंगे जी, जो हालात हो रहे हैं, जोरा जोरी हो रही है, क्यों ये 2 बंदे ये 10 बंदे हाथ पकड़ पकड़े सब बार भगा दिया, सामान आपने दिख रहा है जो सुभाष नाली से उसने सामी लिया हो, अगर हम पैसे ले रहे वहाँ, हम पैसे ले रहे वहाँ तो डबल जाएंगे, 5 भाई हम बैठ के इज्जत दें हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के जाएंगे, लेकिन उसने क्यों ले लिया जिसने पैसे दे रखे हैं, वो बंदा दे नहीं रखे, धोखाधड़ी सारी है जी,
आपने ये आप कह रही हैं आपने बेची नहीं थी तो आपको पैसा भी नहीं मिला था? पैसा जब मैं लगाना जब बेची हो जी मन पैसा पूसा कुछ नहीं मिला मैंने 100 रुपये बिना मैंने लिए। आज जो जिनका आप नाम ले रहे हैं वो है कहाँ पर? वो ये जाना है आप आड़ा जाओ जी। हाँ ये भी बड़े थे चपटन, ये भी इन्ना के साथ के हैं, ये भी चपटे थे मेरा अंदर जाके। और देख ले इन्ना बूझ ले देखिए आ रही बोले बिंडा मारो इनका डंडे ले ले मारो इन तो पूछ ले पड़ोसियाँ थे या बमला तो बुझ लो इनकी। उस टाइम आपके साथ प्रत्यक्ष दर्शी कौन थे जो ये सब देख रहे थे? ये सभी थे आंटी? आपने भी देखा था? आपने भी देखा था जिस तरीके से? आंटी आप भी खड़े थे जब ये सब पूरा घटनाक्रम हो रहा था तो? हाँ खड़े थे बेबे। क्या हुआ था एक्चुअल में, हुआ क्या था? मतलब ये अवैध तरीके से हो रखी है रजिस्ट्रेशन? ओ तेरे के पोचा पाचा मार रही थी मैंने उन्हें जाति सूट देना रही चोरी का चिपटे जो देखे थे और मैंने मेरा नहीं के बात थी। अच्छा हाँ बस तो आपको इतना ही पता? हाँ इतना ही पता मन। उससे पहले का आपको कुछ भी नहीं पता? नहीं बेरा हो और नहीं बेरा मन के। सर आप आपका आपका वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने जो है गलत तरीके से छुआ है वगैरह, उस पर क्या कुछ कर? कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए वो भी कुछ बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। मैम आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि ये बार बार सुभाष का नाम ले रहे हैं कि सुभाष ने अवैध तरीके से। सुभाष को जानती ना मैं किसी और को जानती, मैं नहीं जानती जी किसी को, मैं कैसे कहूँ? ठीक है हम इतनी बच्ची वो नहीं है कि वो बिना पेमेंट के आप जाके तहसील में हाँ भर लेंगे और 2.5 महीने बाद उनको आया जाए। मैं किसी सुभाष को मैं नहीं जानती। तो इनकी जो सेलिंग और परचेजिंग हुई है इसी प्रॉपर्टी की, इसी मकान की, जब आप खरीद रहे थे तो आपको पैसे आपने दिए किसको थे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हाँ कैश दे रखा है मैम, बिल्कुल इनको कैश दे रखा है, इन्हीं को ही दे रखा है। ये मना कर रही है मेरे को मिला मैम ऐसे तो देखो आपके फेस के आगे कितने रास्ता पड़ा है, आप कुछ भी बोल सकते हो। और इतना बच्चा कोई नहीं है, 2.5 महीने तक उसको यही नहीं याद आया कि उसके पास पैसे नहीं आए। वो एक बारी कोर्ट में जाने के बाद, थाने में जाने के बाद ये कहती है कब्जा दे दूंगी, और फिर वो 22 दिन बाद हमारा ताला तोड़ के अंदर जाती है और फिर वो एक बखेड़ा नया खड़ा करती है, तो हम तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। तो अभी क्या कोई हमारी तरफ से कुछ नहीं है, अगर वो चाहते हैं लीगली वो लड़ना चाहते हैं तो वो कोर्ट में जाएँ, वो पुलिस स्टेशन में जाएं, जहां वो जाना चाहते हैं जाएं। घर मेरा है, हमारे नाम है और हम नहीं देंगे। तो अब यहां पर अगर ये दोबारा से इस तरीके का कुछ हुआ फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा बताओ आप? मतलब मैं आपसे, मैंने कंप्लेंट दे रखी है पुलिस में। हाँ हमने कल रात को ही दे दी थी कि हमारे घर का ताला तोड़ा हुआ है और ऐसे ऐसे कोई अंदर घुसा हुआ है, हमने कल कंप्लेंट दे दी थी मैम। आपके परिवार में वैसे कौन? मैम आपको फैमिली से क्या मतलब है, जिसके नाम प्रॉपर्टी है वो आपके सामने खड़ा है, आप ही के नाम प्रॉपर्टी। हाँ अभी देखा जाए तो कुल मिलाकर यहाँ पर दो पक्ष जो हैं, एक कबूल कर रहा है कि उनकी प्रॉपर्टी है और अवैध तरीके से जो है दूसरी पार्टी ने कब्जा कर रखी है, और बल्कि दूसरी पार्टी ये बोल रही है कि सभी के सामने, तहसीलदार के सामने रजिस्ट्री हो चुकी है, इंतकाल जो है सभी उनका नाम हो चुका है, तो प्रॉपर्टी इस तरीके से ट्रांसफ़र जब हो चुकी है तो बार बार ये नाम क्यों लिया जा रहा है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ही नहीं हुई है। हालाँकि ये वो मकान है, दिखा दें आपको, तकरीबन 90 गज से थोड़ा फालतू का है ये मकान है वो, और जहाँ पर ये पूरा कुल मिलाकर घटनाक्रम चल रहा है। अमृत कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद है और ये सभी वो सामान है, ये आपको दिखाना चाहेंगे, ये वो सामान है जो एक पक्ष कह रहा है जिनका सामान था और अवैध रूप से ये सामान जो है निकाल दिया गया। हालांकि यहाँ पर जो फोल्डिंग वगैरह है, मंजी वगैरह कह सकते हैं, चारपाई जो है यहाँ पर पड़ी हुई है, इनका सामान जो है वो सभी बाहर निकाला हुआ है, और ये इवन स्पीकर्स पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, बाल्टियाँ वगैरह सब नज़र आ रही होंगी आपको तस्वीरों में। घर के बाहर आरोप लगा रहे हैं ये कि इनको घर के बाहर निकाल दिया है, जबकि सभी प्रॉपर्टी जो है इनके नाम, दूसरी पार्टी के नाम पर है, जिसका बेटा भी घर पर नहीं था और ड्यूटी पर गया हुआ था। हालांकि देखना ये होगा कि पुलिस कितना जल्दी इस फैसले का निपटारा करती है। कैमरामैन मोनू भट्टी के साथ गरिमा टाइम्स के लिए मैं रिंकी बत्रा, नमस्कार। जब सुभाष से इसी बारे में बात हुई तो उनका ये कहना है कि वो ना तो किसी कमलेश को जानते हैं और ना ही रेनू को, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग उनका कमलेश से लाखों का लेन देन है।